इस दौर में सैदी आला हजरत इमाम अहल सुन्नत का हम पर एहसान है कि जिस दौर के अंदर बदअदा लोगों ने अकीदे पर पर्दे डालने चाहे दीन इस्लाम का सही चेहरा मशक करना चाहा उस दौर में इमाम अहमद रजा ने अपने कलम से जिहाद किया और बदमजहबों बेदीनों को ताबड़तोड़ तोड़ आपने जवाब दिए अहले सुन्ना व जमा का सही चेहरा निखार करके मुसलमान ने आलम के सामने रखा हजराती जीवार सुन्नी मुसलमान अहले सुन्ना व जमा सवाद आदम साहबा किबार जनाब सिद्दी के अकबर खलीफतलमसलिमान अमीरमिन अब बकरीक रजी अल्लाह त लेकर और आज तक असर हाजिर के सही सुन्नी मुसलमान तक बेहमद तला जो अकायद नज़रियात है इमाम अहमद रज़ा के दौर में जब अगार ने ब्रटिश हुकूमत के हाथ पर बिकने वाले ब्रटिश हुकूमत से जो है वजीफ़े लेकर उनकी बोली बोलने वाले लोग जब इस्लाम का चेहरा मस्क करने लगे तो उस दौर में फिर इमाम महमद रज़ा ने रसूल करीम के नमक का हक अदा किया और आपने फरमाया कि मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन पारा है ना नहीं वो मेरा दीन जो है वो नान पारा यानी रोटियों के टुकड़ों पर बिकने वाला नहीं बल्कि मैं अपने करीम आका का गदा हूँ मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं अपने इस दीन की पहरेदारी करता रहूँगा अल्लाह के दीन की निगहबानी करता रहूँगा और उन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत के इस दीन मतीन की खूब आबियारी भी की पासदारी भी की पासबानी भी की अदिदान मन आला हजरत इमाम सुन्नत ने हमें सही शकल सही में हमें सुन्नत की दिखाई और बतलाई वो शक्ल और जाविया जो इमाम अहल सुन्नत ने दिया बेहमद सुन्नियत में ना ख़ारजियत को दखल है ना नासबियत को ना राफजियत को दखल है और ना ही तफजीलीत को सुन्नी सुन्नी है इसलिए मेरा इमाम कहता है कि अहल सुन्नत का है बेड़ा पार असाब हजूर नजम हैं और नाव है इतरत रसूल की कि हम अहले बैत के मानने वाले भी हैं और साहबाई किबार के मानने वाले भी हैं हर्ष